कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धनत्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। धन्वंतरी देवताओं के चिकित्सक है और चिकित्सा के देवता है, इसलिए चिकित्सकों के लिए धनतेरस का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। भारत सरकार ने धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। दुनिया भर में हिंदू समुदाय धनतेरस को कई तरह से मनाता है। बहुत से लोग धनतेरस के अवसर पर सोना या चांदी खरीदना पसंद करते हैं, इस उम्मीद में कि वे देवी लक्ष्मी उन्हें आशीर्वाद दे और अपने परिवार के लिए अच्छी किस्मत और धन लाए। लोग धनतेरस पर अन्य महत्वपूर्ण चीजों जैसे स्मार्टफोन, घरेलू उपकरण, रसोई के बर्तन आदि की खरीदारी भी करते हैं। धनतेरस को शादियों की तारीखें निर्धारित करने, नया वाहन या नया घर खरीदने या नया व्यवसाय शुरू करने के लिए भी एक शुभ दिन माना जाता है। जबकि भारत में कई अलग अलग संस्कृतियां धनतेरस के त्योहार को अपने अपने तरीके से मनाती है।